तो फिश बनाने आ रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले दो डब्बे ले लिए हैं बर्तन। इसके ऊपर प्लास्टिक को लगा देंगे, ऐसे प्लास्टिक लगा के उसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर शेप दे देंगे हम, ठीक है। तो उसे पेपर, काफ़ी सारे पेपर कट कर लिए हैं, इसको चिपकाएंगे और फेविकोल पानी का घोल बना करके इसको लगाएंगे, ऐसे पेपर को इस टाइप से आपको शेप दे देना है, उस पर स्पाइक्स निकाल देने हैं, ठीक है। तो हम बनाना शुरू कर दे रहे हैं, देखिए इस टाइप से सब पेपर को लगाते जा रहे हैं हम। काफ़ी सारे पेपर लगाने के बाद तब उनको टिश्यू पेपर कवर करेंगे, उसकी बड़ी बड़ी आँखें बनाएंगे और फेस बनाएंगे। तो इस टाइप से आपको लगाते जाना है, ठीक है, काफ़ी सारे पेपर आपको लगाने हैं। इस टाइप से हमने इसको फेस का शेप दे दिया है, अभी हम और टिश्यू पेपर लगाएंगे और आँखें बड़ी बड़ी बना दिए। अब इसको भी टिश्यू पेपर से और भी पैक करेंगे, एक लेयर हमने लगा दी है, अभी स्पाइक्स के निकालेंगे, ठीक है। इस टाइप से देखिए, कभी बिल्कुल उसको उठा नहीं, नीचे प्लास्टिक है, घर के नीचे पेपर इस पर रखे हैं, ये इसी तरह लगा रहेगा जब तक सूख नहीं जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहे हैं, फिर रुक अभी से इसको टिश्यू पेपर पूरा कवर करेंगे, स्पाइक्स लगा रहे हैं, फिर इसके साथ चिपका दे रहे हैं, मास्किंग टेप से इसको चिपका रहे हैं। चिपकाने के बाद फिर हम इसको टिश्यू पेपर से कवर करेंगे, थोड़ा मुश्किल है बट टिश्यू पेपर से वो एकदम हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से सब स्पाइक्स लगा रहे हैं, इसको कोन बना करके इसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे बता रहे हैं। पेपर को अच्छे से कटिंग कर लिए छोटे छोटे पीसेस में टिश्यू पेपर को, और ढेर सारे स्पाइक्स ऐसे बना लिए हैं, ढेर ढेर सारे स्पाइक को कड़क पेपर से स्पाइक्स बना लेने हैं। और यहाँ पर भी हमने देखिए ये पंख उसका लगा दिया है, ठीक है। तो अब वो ड्राॅइंग बड़ी बनानी है, इसको पेपर से लगा दिया है, अब हम इसको स्पाइक्स यहाँ लगा ला के अटैच करेंगे टिश्यू पेपर की प्रयोग से, ठीक है। तो जब हम कंप्लीट कर रहे हैं हम लगा के जिसको हमने लग दिया है, ये दो पेपर सूखेगा, फिर एक कोट और टिश्यू पेपर लगाएंगे, ठीक है। इसको जब खड़ा कर दिया हमने, तो उन्होंने फेविकोल का घोल बनाकर और ये टिश्यू पेपर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिए हैं। ये मेरी मम्मी देखिए लगा रही है, उनको भी काफ़ी शौक है, तो मुझे हेल्प कर रही है इस काम में, तो उनसे हम सब ये करवा रहे हैं, ऐसे टिश्यू पेपर लगा के पूरा कवर कराना है, इस टाइप से हल्के हाथ से सब टिश्यू पेपर लगा करके तो पूरा मम्मी इसको कवर कर देंगी। ये देखिए मेरी मम्मी आई हुई, तो उनको भी हम कहे हैं कर दीजिए, तो मुझे आराम हो जाता थोड़ा। कई सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं एक साथ बनाने के लिए, तो ये जो ये सब काम है मम्मी करेंगी। इधर देखिए क्वालिटी ये हो चुका है मेरा, इसको भी अभी लगाएंगे। देखिए पंखे भी सूख गए हैं, अभी थोड़ा और सूखना बाकी, इसलिए अभी छू नहीं रहे, हल्का गीला है, ठीक है। इस तरह से देखिए कुछ सब तक से बन गया है, तुरंत आपको छूना नहीं है, ये गोल से भी कट कर लेंगे इसको। तो मम्मा ये साइड का थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ये कट हो जाएगा, इतना लीजिएगा, ठीक है। या लगा भी देंगे तो हम कट कर देंगे। तो ये देखिए मम्मी धीरे धीरे मेरा सब कर रही है, फिर सूखने के बाद फिर इसको पेंट करेंगे। आँखों की, इसको आँखों को भी मम्मा लगा देना, इसके ऊपर भी, ये देखिए इसके ऊपर भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो मम्मी लगा रही है, ये फिश बना रहे हैं बड़ी सी, परफेक्ट फिश, किसके नाम इसका। तो मम्मी को हमने दे दिया काम करने के लिए, मम्मी इसको धीरे लगा रही हैं, अभी हम इसको बाद में इसको पेंट कर देंगे। ब्रश दे दो, पेंट करते आ रहे हैं फैब्रिक कलर से। अब इसको हल्का सा यू शेप यहाँ हमने कट कर दिया है, यहाँ पे मैंने हल्का सा कर्व कर दिया है, जो आगे का फेस रहेगा उसका। अब इसको हम पेंट करने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिन्स बन गई है, इसको भी हम पेंट करेंगे, और दो हाथ के लिए फिन्स हम बनाएंगे। तो ये बॉक्स बोर्ड आपको ले लेना है, बॉक्स बोर्ड फिन्स के साथ कट करके हाथ के लिए इसको बना देंगे, ठीक है। पंख बना दिया हमने, इसको इसी डायरेक्शन में इसको कलर करना है। ऐसे दो पंख हमने निकाल लिए हैं, ये बच्चा हाथ में पहनेगा, और अगर ये देखिए स्टेप से हाथ यहाँ पे लग जाएगा, स्टेप से हम लगाएंगे नहीं, बच्चों को फैंसी ड्रेस में खुद से पहनना है इसको, ठीक है। तो इसको हम बोथ साइड, दोनों साइड से पेंट करेंगे, इसको दोनों साइड से हम पेंट कर देंगे। देखिए इस डायरेक्शन में आपको कलर करते जाना है फिन्स के लिए, दिखाइए मम्मा इधर दिखाइए, इस तरह से डायरेक्शन में कलर करते जाना है आपको। यहाँ पे भी देखिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरह से आपको उसको कलर करना है।
ये ऑलरेडी फिन्स का ये वाला कलर हो गया, सूख रहा है। बैक साइड भी हम लोग कलर करेंगे और इधर भी करेंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप से कलर कर दिया हमने, इस टाइप से ये रहेगा। अभी सूखने देंगे तो आपको और इफेक्ट लाएंगे। इस टाइप से हम दिखा रहे हैं आपको। अभी इसको कलर करना थोड़ा बाकी है, बच्चे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। पंखे रेडी हो गए, यहाँ के दोनों पंख बन गए इसके, जो हाथ पे पहनेंगे तो ये पीछे का आगे का सर बन गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसको बच्चा पहन लेगा, ठीक है। तो स्टेप से हम सूखने के लिए छोड़ दे रहे हैं। सूखने के बाद इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इस टाइप से जोड़ देंगे इसको यहाँ यहाँ पे, और इस जगह पे हैंड हो जाएगा और इधर हैंड हो जाएगा। इस टाइप से इसको रेडी कर देते हैं, ठीक है। ये जिस टाइप से जोड़ दिया है, अभी सूखने लग दिया हमने। ये दोनों हाथ पे पहनेंगे और ये गले में आगे लटक जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये रेडी हो जाएगा। अभी सूखने के बाद हम इसको मोड़ के दिखाएंगे, आप चाहिए तो बांध भी सकते हैं, ठीक है। बना दी फिश का, तो पंख हिलाते रहेंगे फिश को। ये बच्चे को हमने पहना दिया है अभी पूरा, ये तो यहाँ सूख रहा है अभी, ठीक है। इस टाइप से पंख को ऐसे हिलाना है, ऐसे स्विमिंग करती है फिश, ऐसे स्विमिंग करती जाएगी। ये हाथ में से बच्चे डाल देंगे, देखिए ये देखिए हाथ में से डाल दिया गया है, इसके अंदर हाथ में चला जाएगा, ये देखिए इस टाइप से। तो इस से फैंसी ड्रेस में बच्चे पहनेंगे, अच्छा मज़ा आ रहा है ना। हाँ वेरी गुड, स्विमिंग करो, वेरी गुड वेरी गुड। हेड का बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दो तीन उन्होंने फिश चिपका दिए, और पीछे जो ग्रीन वाटर का लुक देने के लिए ग्रीन की पत्तियाँ जो होती हैं वो लगाएंगे। इस टाइप से कटिंग कर लिया हमने, इसके पीछे से बैक साइड में लगा देंगे, ठीक है। जो हम कंप्लीट करें उसको भी हेड पे लगाने वाला भी हमने बना दिया। इस टाइप से इसको हेड पे इसको लगाएंगे। इस टाइप से आपका रेडी हो गया प्रोजेक्ट पूरा। हिलाओ ऐसे, हिलाओ थोड़ा, तो ऐसे 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 हिलाओ, ऐसे बैंड करो, ऐसे नहीं देखो बेटा, ऐसे बैंड कराओ, ऐसे पंख क्या लाओ, नहीं ऐसे नहीं कर पा रही, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे टमी के पास, ऐसे क्यों कर रहे। हाँ अभी सही, अभी सही है, अब हिलाओ पंख, हिलाओ पंख, हिलाओ भाई पंख, हिलाएंगे ऐसे बच्चे, यहाँ पे पंख से हिलाते जाओ, हिलाते जाओ। हाँ बहुत अच्छा, पैसे बैक करो, बैक बैक हो धीरे धीरे। देखिए पीछे भी स्टेज से बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को आप लोग।